हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर यूट्यूब कितने व्यूज पे कितने पैसे देता है, आखिर एक यूट्यूबर कितने व्यूज लाके कितने कमाई कर लेता है, और क्या लाइक और सब्सक्राइब करने के भी एक यूट्यूबर को पैसे मिलते हैं। आखिर यूट्यूब ये पैसा लाता कहाँ से है, एक कंटेंट क्रिएटर को इतना करोड़ों की कमाई कैसे करके देता है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। सो गाइस, आप देख रहे हैं एसेंस टेली मीडिया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस आज की कहानी शुरू होती है यहाँ से कि आखिर यूट्यूब 1000 व्यूज के हमें कितने पैसे देता है। तो देखिए, यूट्यूब हमें कितने व्यूज पे कितने पैसे देगा ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका वीडियो किस रीजन में देखा जा रहा है। मान लीजिए अगर आपका वीडियो एशियन कंट्रीज में देखा जा रहा है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा, अगर इस रीजन में देखा जा रहा है तो आपके वीडियो पे जनरली कम पैसे बनते हैं। और दूसरे केस में अगर आपका वीडियो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो है तो उस पे पैसे ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो वीडियो एशियन कंट्रीज में ही क्यों ना देखे जा रहे हों। तो गाइस, अगर मैं समराइज करके बताऊं तो 1000 व्यूज पे $1 भी मिलते हैं, कभी कभी 5000 व्यूज पे भी $1 मिलते हैं, एंड किसी किसी केस में ऐसा भी होता है 10000 व्यूज पे भी $1 मिलते हैं। अगर मैं मिनिमम एक कैलकुलेशन बताऊं तो आपको 1000 व्यूज पे मिनिमम $1 से $5 तो मिलना ही मिलना है, और 10000 व्यूज पे $20 से $50, एंड 1,00,000 व्यूज पे $100 to $500, ऐसे ही आप लोग 1 मिलियन और 5 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन का मिनिमम एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि क्या लाइक और सब्सक्राइब करने के भी पैसे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने का एक अपना फायदा है। अगर आपके वीडियोस पे लाइक आते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं तो आप पॉपुलर हो जाते हैं। यही फायदा है लाइक और सब्सक्राइब का, लेकिन आपको जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एड व्यूज के मिलते हैं। तो गाइस, अब बात आता है कि यूट्यूब कंपनी एक यूट्यूबर को पैसे कहां से देता है। तो इससे पहले कि मैं ये स्टोरी आपको समझाऊं, इस स्टोरी को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हम और आप अपने घरों में टीवी देखते हैं और उस टीवी पे कोई ना कोई एड बीच बीच में आ रहा होता है, और वो जो एड आ रहा होता है उस एड को किसी ना किसी कंपनी के ओनर द्वारा चलाया जाता है, और उस एड को चलाने के लिए टीवी चैनल का मालिक उस कंपनी ओनर से चार्ज करता है। सेम कंडीशन अप्लाई होता है यूट्यूब के साथ भी। पर डे कोई ना कोई कंपनी यूट्यूब के पास अपना एडवर्टाइज करवाने के लिए जाता है, और एड करने के लिए यूट्यूब उस कंपनी ओनर से पेमेंट चार्ज करता है। पेमेंट चार्ज करने के बाद यूट्यूब कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, एंड बाकी का हिस्सा कंटेंट क्रिएटर में बांट देता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में बताऊं तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब 45% वो खुद अपने पास रख लेता है, एंड 55% कंटेंट क्रिएटर में बांट देता है। तो गाइस, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मान लिया कि आपके वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज आए हैं, लेकिन उस पूरे वीडियो में एक भी ऐड नहीं आया है, तो उस वीडियो के एक भी पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके व्यूज जो आते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ऐड व्यूज होने चाहिए। डैट मीन आपके वीडियो जो चल रहे हैं उसके इन बिटवीन ऐड होने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो सच में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।